हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो स्वागत है आप सबका आज एक नई वीडियो में। तो आज भाई अपना एक पैकेज आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इसे ओपन करते हो, आप दिखाते हैं कि क्या है अपने पास। ये आप देख सकते हैं अपने पास एचपी का बॉक्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है विक्टर्स। तो ये क्या है, एचपी की स्पेशल सीरीज है, जैसे कि हमने ओवन भी देख रखी है पहले। तो फिर उसकी अनबॉक्सिंग करते हुए हमने कर रखी है, तो आपको भी दिखाते हैं पहले इसमें क्या क्या था। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमें साइड में मिलेगा इसका चार्जर। इसकी एक सिंगल कोड आपको ये अवेलेबल होगी, इसे भी साइड कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास होगा अडेप्टर, जो कि नॉर्मल है एचपी के। अब सारे लैपटॉप के साथ ऐसे डिज़ाइन में आने लग गया है, एज यू कैन सी हुआ है। ये देखिए केबल भी आपको काफ़ी बड़ी मिलेगी, इसे भी साइड कर देते हैं। और आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जैसी पैकिंग में आपको मिलेगा लैपटॉप। और ये देखिए एचपी की टेप लगी हुई, टेप पे भी एचपी लिखा हुआ है। तो भाई ऐसा कुछ डिजाइन है लैपटॉप का, एज यू कैन सी। यहाँ पे आपको वी मिलेगा, एचपी लिखा नहीं मिलेगा। यहाँ पे लैपटॉप का विक्टर्स नेम मिलेगा। यहाँ पे कुछ आपको और एक्सेसरीज, कुछ डिज़ाइन सीरीज के बारे में पता चल जाएगा यहाँ पे आपको। देन इसके बैकलुक में आपको दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे फैंस का सेक्शन है, एंड यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है लैपटॉप की। यहाँ पे स्टिकर है विंडोज़ का, अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं। इधर वाली साइड से कुछ ऐसा डिज़ाइन है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपना USB-C पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, USB पोर्ट, और उसके साथ साथ HDMI पोर्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इस साइड आप देख सकते हैं 3.5 mm का जैक, USB पोर्ट और चार्जिंग स्लॉट है। और इधर वाली साइड आपको कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। इतना ऐसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये कुछ ऐसे सुम व्यू है, आप इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट लुक कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है इसका, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। यहाँ आपको मिलेगा ग्राफिक कार्ड इसका, जो कि है GeForce का GTX, साथ साथ इसके अंदर है Ryzen 5, एज यू कैन सी और हियर। ये HP कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी आपको, और विक्टर्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए इसमें HP सिर्फ यहाँ पे स्टिकर पे लिखा हुआ, उसके अलावा कहीं पर दिख रहा है कि HP की स्पेशल सीरीज है। सो दिस इज द थिंग। चलो अब इसको ओपन करते हैं बूट अप। तो भाई फर्स्ट टाइम बूट अप तो नहीं कर रहे, सेटअप हम पहले कर चुके हैं। पर यू कैन सी फ्रॉम हेयर कुछ कैसा डिज़ाइन है इसका, और सीधे आप विक्टर्स लिखा आता है इसके साथ में। जब आप इसको बूट अप करेंगे HP वगैरह कुछ लिखा नहीं आता, जैसे कि ओमन में भी ये था। तो ये फ़ायदा हुआ स्पेशल सीरीज का। ये भाई बूट ऑन हो चुका है, अब इसकी ब्राइटनेस करते हैं ऑन। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस, आप लुक वगैरह देख सकते हैं। जो आपको लुक दिख रही है ये सब कुछ कीबोर्ड है। इसके अंदर भाई आपको बैक लाइट मिल जाता है, जो कि आपने देखा अभी लाइट ऑन हो चुकी है। डिफरेंस पता चलेगा आपको ऐसे करके, ये देखिए। तो भाई इसके अंदर आपको बैक लाइट मिलता है, साथ साथ इसमें कीबोर्ड आपके नंबर लॉक्स भी अलग से मिलते हैं, जैसे कि नॉर्मल इससे साइड साइड का आपको मिलता है। और ये वाला पूरा ये 15 इंच का लैपटॉप है आपका। मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ इसकी, ये देखिए भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस। AMD Ryzen, सुन कर देता हूँ पहले, AMD Ryzen 5 5600H विद रैंडम ग्राफिक्स, जो कि 3.30 GHz के 8 GB रैम इसमें इंस्टॉल। आप 16 GB तक इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, और साथ साथ विंडो 11 इसमें मिली है। भाई ये विदाउट MS Office हमने लिया था, क्योंकि मुझे वर्क सा नहीं लगा। हम बाद में भी कर सकते हैं MS Office अगर हम चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी और स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स पे, ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमें 6670 का नहीं पड़ा, ये हमें पड़ा 56 का है एक्चुअली में। तो ये डिस्काउंट मिलता है, MRP इसके 10,000 रुपये ज़्यादा है। ये जून 2023 मैनुफेक्चर्ड है। ये देखिए इसका मॉडल वगैरह, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं AMD Ryzen 5, जो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ 512 की इसमें स्पेस है, 8 GB रैम,
ऑप्टिकल ड्राइव इसमें नहीं है। विंडोज़ आपको 11 मिल जाती है, 15.6 इंचेस की IPS LED डिस्प्ले, जिसके अंदर 250 नेटवर्क तक दिया जाता है। NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB ग्राफिक कार्ड आपको उसमें मिल जाता है। 3 साल की इसकी बैटरी है और बहुत तगड़ा पावर पैक पैकेज है। ये देखो भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये है इसका लुक, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको लेना है नहीं लेना, बट मेरे हिसाब से 50-60K के अंदर इससे बेस्ट लैपटॉप कोई नहीं है। सो फ्यू ना बाय, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। कुछ और स्पेसिफिकेशन इसके बारे में या कोई और चीज़ पता लगानी हो तो आप कमेंट बिलो डाउन करें, मैं वहाँ से आपको फिर उसके ऊपर नई वीडियो बना के दे दूँगा। और ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, स्पेसिफिकेशन तो आप देख सकते हैं, बाकी परफॉर्मेंस इसकी बहुत सही है जैसे कि आप देख रहे हो। और चीज़ें मैं इसमें चला के देख सकता हूँ, अभी इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको भी कुछ चला के दिखा रहा, बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इसमें चला के दिखा दूँगा। बाकी आप फिनिश देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्पीकर भी मिल जाएगी ऊपर की साइड है। और ये सारी चीज़ें, माउस ट्रैक इसका काफ़ी स्मूथ है, कोई इशू नहीं इसमें, माउस ट्रैक बहुत सही है इसका जैसे कि आप देखे तो। और ये आप बूट स्पीड देख सकते हैं, बिल्कुल टाइम लगता है और 15 सेकंड्स के अंदर ये बूट हो गया था अगर आपने ध्यान दिया तो। मैंने इसमें ब्रेव डाउनलोड कर दिया, मैं इसमें और दिखाता हूँ इसे, अगर आप थोड़ी मोटी चीज़ें देखना चाहें कितने स्पीड टेस्ट वगैरह, तो सर आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, स्पीड कितनी सही है चलने में, बिल्कुल भी किसी तरीके का लैग नहीं है, काफ़ी स्पीड से चल रहा है, फर्स्ट टाइम बूट कर रहे हैं इसलिए। 30-40 MPS आ रहा है, पर लैपटॉप की तरफ से कोई कमी नहीं है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। चीज़ें हमने जैसे ब्रेव वगैरह थोड़ा डाउनलोड किया था तो काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड रही थी हमारी। तो वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू लव।